लोकसभा के चुनाव परिणाम जो रहे उसमें हमारी पार्टी की भी हार हुई, क्योंकि लोगों ने निर्णय किया हुआ था मोदी और एनडी मोदी दो ही जगह वोट डाले। तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारा और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ था, 7 सीतों पे हमने लड़ा था, 3 पे उसने लड़ा था, सूत्रा साफ हो गया था। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटका खाने के बाद जननायक जनता पार्टी अब अपना खोया जनाधार वापस हासिल करने की कवायद में जुटी है। पार्टी का अब अगला लक्ष्य विधानसभा में सम्मानजनक प्रदर्शन का है। हालांकि विरोधी राज्य में जेजेपी का गेम ओवर मानते हैं और उन्हें विधानसभा चुनाव में सीरियस प्लेयर के तौर पर नहीं देखते। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने राजनीतिक विरोधियों को चेताया है। उन्होंने कहा कि 2019 में भी हम लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़े थे और हमारा सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 3 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्हीं मतदाताओं ने हमें जिताकर सरकार में साझेदार बनवाया। अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव परिणाम जो रहे उसमें हमारी पार्टी की भी हार हुई, क्योंकि लोगों ने निर्णय किया हुआ था मोदी और एनडी मोदी दो ही जगह वोट डाले। ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है, आप पूरे देश का आंकलन कर लें, सभी जगह यही फैसला लोगों का। अगर लोकसभा के चुनाव से विधानसभा का चुनाव का आंकलन करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारा और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ था, 7 सीटों पे हमने लड़ा था, 3 पे उन्होंने लड़ा था, सूपड़ा साफ हो गया था। परंतु विधानसभा में मतदाता तो वही थे, जहां चुनाव हारे थे वहां 10 सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश के राजमार्ग में हिस्सेदार बनाने का काम भी लोगों ने। आपको याद होगा बेहतर का चुनाव पूरी तौर पे सूपड़ा साफ हो गया था, 18 लोग जीत करके आए थे, उनमें से भी 2 हरियाणा किसान पार्टी के थे, चौधरी देवीलाल सदन तो शाम से और आदमपुर से हार गए थे, मेरे दादा चौधरी सांवराम रोड़ी से हार गए थे, कोई नाम लेवा भी नहीं बचा था। परंतु उसी रोड़ी के क्षेत्र के लोगों ने 1974 में चौधरी देवीलाल को 16,500 से जिताया होगा, वोट कहीं से इंपोर्ट थोड़े होंगे, वोट तो आपके हैं, आप राजी हो जाओ तो 5 लाख पे पहुंचा दे और नाराज हो जाओ तो 5,000 पे पहुंचा दे। अरे भाई हम तो अंतरराष्ट्रीय मांगते हैं, हमने तो रोज मांगने का काम करना है, एक बार मंगी दोगे दूसरी बार आ जाएंगे, दूसरी बार नहीं दोगे तीसरी बार आ जाएंगे, तीसरी बार भी नहीं दोगे तो अगली बार चिमटा लेकर के अलग नारायण दाल माई हम तो डरेंगे। बता दें कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी अकेले सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।